एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बनाएंगे हम चिकन शामी कबाब, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप जिस किसी भी एक कबाब बनाएंगे ना, वो आपके कुकिंग के फ़ैन हो जाएंगे। इतने टेस्टी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले कबाब बनते हैं। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ हाफ के जी चिकन लिया है। चिकन को मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर दिया है। अच्छा, चिकन जो मैंने लिया है वो बोन्स के साथ लिया है। आप चाहे तो बोनलेस चिकन भी यहाँ ले सकते हैं, लेकिन बोन्स के साथ ना ये कबाब बहुत टेस्टी बनते हैं, तो मैंने बोन्स के साथ लिया है। 100 ग्राम दाल थी जिसको मैंने भिगो के रख दी है, चने की दाल। आधा चम्मच इसमें सौंफ ऐड करेंगे, आधा चम्मच जीरा, एक जावित्री का फूल, 3 लौंगे, 10 से 12 काली मिर्ची, 2 हरी इलायची, 1.5 चम्मच मैंने यहाँ साबुत धनिया लिया है, और 7 से 8 मैंने यहाँ लाल मिर्ची ली हैं, और 3 मैंने यहाँ पे छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, और 1 मैंने यहाँ पे तेज़पात का पत्ता लिया है। जब चिकन अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो तेज़पात का जो पत्ता है ना, उसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो जब आप इस तरह से खड़े मसाले इसमें ऐड करते हैं ना, तो इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहे तो इन्हें रोस्ट करके भी ऐड कर सकती हैं। रोस्ट करके ऐड करने से तो इनका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अच्छा, आप चाहे तो यहाँ पीसे हुए मसाले ले सकती हैं, जैसे कि आप लाल मिर्च का पाउडर ले सकती हैं, सौंफ का पाउडर ले सकती हैं, और यहाँ पर आप जो है वो गरम मसाला भी ऐड कर सकती हैं, आधा चम्मच। आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। आपको ये कितना सॉल्टी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नमक ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने यहाँ हल्दी पाउडर लिया है। 1 गिलास हम इसमें भर के पानी ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ मिक्स कर लेंगे। तो आप इस कबाब को ज़रूर बनाइएगा इस तरह से, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। चलिए जी, अब इसे ढक देते हैं और गैस को यहाँ हम ऑन कर लेते हैं, और अपना चिकन यहाँ बनने के लिए रख देते हैं। अच्छा, मैं इसमें प्याज ऐड करना भूल गई थी, तो यहाँ मैंने 1 प्याज को रफली चॉप्ड करके वो ऐड कर दिया है, और मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी कि आधा चम्मच अदरक और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें 10 से 12 आप लहसुन की कलियां ऐड कर सकती हैं, 2 इंच का आप इसमें अदरक ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को इतना बना लेंगे कि अपने बोन से ना अलग हो जाए, यानी कि चिकन को हम अच्छे से बना लेंगे जब तक हमारा चिकन यहाँ पे नहीं गलता है। जब तक हमारा यहाँ चिकन बनता है तो हम बना लेते हैं एक मज़ेदार चटनी, जो कि हमारे कबाबों के साथ ना बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैंने 4 हरी मिर्ची, 7-8 मैंने लहसुन की कलियाँ, हैंडफुल हरा धनिया, और साथ में थोड़ा सा पुदीना ले लिया है। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी दही, तो 3 चम्मच मैं यहाँ दही ऐड कर रही हूँ। आप दही की जगह यहाँ लेमन भी ऐड कर सकते हैं और चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे और पीसे पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने हैंडफुल हरा धनिया और 4 हरी मिर्ची ली हैं, और प्याज ली है 1 मैंने मीडियम साइज़ की। हमें क्या करना है, इसे फाइन चॉप्ड कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको ना बारीक बारीक कट कर लेना है, या मेरी तरह आप चॉपर से चॉपटे से कर सकते हैं। इसका यूज़ जो है वो हम बाद में करेंगे। तो चलिए इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और यहाँ देख लेते हैं कि चिकन हमारा गला या नहीं गला। तो देखें, चिकन जो है वो तो हमारा यहाँ गल चुका है, लेकिन दाल में थोड़ा सा यहाँ पानी है, तो हम इसको ड्राई कर लेंगे। तो देखिए, मैंने गोश्त जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया था। ठंडा होने के बाद मैंने इसे पीस लिया था। अब यहाँ पे हमने जो प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया चॉप्ड किया था वो ऐड कर देंगे, और हम इसमें ऐड करेंगे 1 पूरा अंडा। आप चाहें तो अंडे को स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे जो है हमारे कबाब टूटते नहीं हैं। तो अब क्या करना है, सब चीज़ों को ना बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, यानी एग के साथ हमारी सारी चीज़ें ना मिक्स हो जाएं। अच्छा, आप चाहें तो इस स्टेज पे ना आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक इसमें और ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें नमक टेस्ट किया था तो आप बिल्कुल ठीक था टेस्ट, मतलब नमक बिल्कुल कम नहीं था, बिल्कुल ठीक था। तो चलिए जी, बहुत ही अच्छे से हमें यहाँ पर इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा मिक्स होकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके बनाएँगे कबाब। तो यहाँ मैंने
थोड़ा सा ऑयल लिया है और अपने हाथों पे अच्छे से लगा लिया है। आप ऑयल की जगह यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपका गोश्त होगा वो आपके हाथों पे नहीं चिपकेगा। अच्छा यहाँ मैंने थोड़ा सा जो है वो गोश्त ले लिया है और इस तरह से मैंने इसकी एक बॉल बना ली है। फिर उसके बाद मैंने इस तरह से इसको प्रेस किया है और इसको मैंने कबाब का शेप दे दिया है। तो देखिए कितना परफेक्ट हमारा यहाँ कबाब बन के रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से बना है और कितना अच्छा इसका शेप आया है। देखिए आप इसको देख सकते हैं, बहुत बढ़िया से बन चुका है। चलिए जी इसे प्लेट में रख देते हैं और सारे कबाब हम इसी तरह से बना लेंगे। तो बहुत ही इजी है ये बनाने और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो सारे कबाब बन चुके हैं, चलिए अब इनको कर लेते हैं हम फ्राई। आप चाहें तो आप इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, नहीं तो आप इसे एज इट इज़ बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल को पहले ही गरम करने रख दिया था और यहाँ मैंने अभी गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और अपने एक एक करके मैंने इसमें सारे कबाब ऐड कर दिए हैं। जितने आते हैं उतने एक बारी में ऐड कर लिएगा और आपको एकदम ना इसकी साइड को चेंज नहीं करना है। आपको यहाँ 30 से 40 सेकंड के बाद इसकी साइड को चेंज करना है और आपको बिल्कुल एकदम धुएँदार जो ऑयल हमारा गर्म होता है ना, उस ऑयल में भी आपको इसे डायरेक्ट नहीं रखना है। तो देखिए कबाब जो है वो हमारे यहाँ सिक चुके हैं। यहाँ एक अच्छा कलर आने तक ना आपको कबाबों को सेक लेना है। चलिए जी इन्हें प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बाकी के जितने कबाब बचे हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, यानी कि आपकी कबाब कैसे बने। तो मैं इसे सर्व करूँगी सैलेड के साथ। इसकी मीना सैलेड बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने प्याज काटी है, टमाटर काटा है और जो हमने ग्रीन चटनी बना के रखी थी उसके साथ हम इसे सर्व करेंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कि पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए जी अब हम इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे इस पर सैलेड पे और नींबू हम इसमें अच्छे से निचोड़ देंगे। तो देखिए कबाब हमारे कितने बढ़िया से सिक चुके हैं और बिल्कुल सॉफ्ट कबाब हमारे यहाँ बन के रेडी हुए हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, रोटी के साथ और पराठे सभी के साथ ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।